गुड इवनिंग फ्रेंड्स, शुरू करते हैं क्लास नंबर 62 वोकैबुलरी। कुछ सीख भी रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं, आप ये वीडियोस देखते भी हैं कि नहीं देखते हैं, ये क्लासेस अटेंड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आलसी तो नहीं आ रही है ना? अरे सीखो, यही काम आने वाला है। आप अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी, और स्पोकन इंग्लिश अगर सीखना चाह रहे हैं तो भी, दोनों ही केस में आपको क्या होगा, इस चीज की बहुत जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलिए तो अब हम शुरू करते हैं आज का फ्रेज, फ्रीलांस। फ्री से ही समझ में आता है कि कोई सी चीज क्या है, फ्री है, फ्री, फ्रीलांस। अ पर्सन नॉट बिलोंगिंग टू एनी पार्टी और एनी ऑर्गेनाइजेशन। देखो, या तो कुछ लोग जॉब करते हैं किसी कंपनी के अंडर में, किसी के अंडर में, या कुछ लोग बिजनेस करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फ्रीलांस काम करते हैं, ना तो वो जॉब कर रहे होते हैं ना वो बिजनेस कर रहे होते हैं। उनको आप काम दे दीजिए, वो काम करके आपको वापस दे देंगे, दैट इज कॉल्ड फ्रीलांस। स्वतंत्र काम करते हैं वो, किसी के अंडर में नहीं होते हैं। यस, रोहित इज फ्रीलांस सॉफ्टवेयर डेवलपर। रोहित सॉफ्टवेयर डेवलप करता है, कैसे, फ्रीलांस। किसी कंपनी के अंडर में काम नहीं करता, उसके खुद का कोई बिजनेस नहीं है, आप उसको काम दे दीजिए, वो काम करके आपको दे देगा, इट्स कॉल्ड फ्रीलांस, है ना? मतलब किसी के अंडर में नहीं है वो। अब क्या हो रहा है भाई, फ्रॉम द बॉटम ऑफ वंस हार्ट, एकदम दिल से, बोलते ना हिंदी में हम, कि एकदम दिल से मैंने ये काम किया है, मैं दिल से ऐसा करता हूं। तो फ्रॉम द बॉटम ऑफ वंस हार्ट, अरे जागो रे, जागो, सीखो। माना कि थोड़ी देर हो रही है रात में, लेकिन जागो, समझो, देखो क्या है। फ्रॉम द बॉटम ऑफ वंस हार्ट, बॉटम का मतलब निचला हिस्सा, टॉप मतलब ऊपरी हिस्सा, तो फ्रॉम द बॉटम मतलब दिल की गहराई से, है ना, उस दिल की गहराई से क्या है वो समझ लेते हैं, जेन्युइनली एंड डीपली, मतलब सच्चाई से और गहराई से हम जब किसी चीज को, काम को करते हैं दिल से, बिल्कुल। एग्जाम्पल देखो, When I returned the lost wallet to Mr. Sharma, he thanked me from the bottom of his heart. मतलब Mr. Sharma ने क्या किया, एकदम bottom of heart से आपको thank दिया। क्यों? क्योंकि आपने उनका wallet, उनका purse उनको वापस कर दिया जो गुम गया था। So from the bottom of one's heart मतलब genuinely, deeply, गहराई से, एकदम। Yes, चलो ये भी खत्म हुआ, आगे एक और। कुछ खेल खेल रहे हैं यहाँ पर, फेयर एंड स्क्वायर, ये तो बहुत ही यूज होता है, फेयर एंड स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर का मतलब चपटा चौकोर नहीं है, फेयर एंड स्क्वायर का मतलब है ऑनेस्ट, ईमानदार, जिसमें चीटिंग ना हो, फ्रॉड ना हो। देखो ये लिखा ईमानदार, कैसे, इट वॉज अ फेयर एंड स्क्वायर डील। डील कैसी थी, फेयर एंड स्क्वायर थी, मतलब डील में कोई भी क्या नहीं था, चीटिंग नहीं थी, है ना, कुछ भी घपला नहीं था। तो इट वॉज अ फेयर एंड स्क्वायर डील, या शी वॉन द गेम फेयर एंड स्क्वायर, मतलब बिल्कुल ईमानदारी से खेलते हुए उसने गेम जीता। क्योंकि फुटबॉल के गेम में आपने देखा होगा बहुत चीटिंग होती है, धक्का मार देते हैं, गिरा देते हैं, है ना। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं कि शी वॉन द गेम फेयर एंड स्क्वायर, उसने बिल्कुल ईमानदारी से खेला और गेम जीता। तो कैसा होना चाहिए मामला, फेयर एंड स्क्वायर डील कैसी है, फेयर एंड स्क्वायर है, उसमें कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं है। अरे इंसाफ की तराजू तुल रही है लगता है। फेयर प्ले वैसा ही कुछ मामला है, कैसा, फेयर एंड स्क्वायर जैसा, तो यह है फेयर प्ले। ऑनेस्ट डीलिंग्स, है ना, यह भी बिल्कुल वैसा ही है कि जिसमें कोई भी चीटिंग ना हो, कोई डिसीविंग ना हो, कोई धोखा ना हो, कोई इस तरह का कोई काम ना हो, वही देखो ईमानदार प्रक्रिया। एग्जाम्पल समझते हैं, वी शुड ऑलवेज गो फॉर फेयर प्ले वेदर वी लूज और विन, मतलब हमको हमेशा ईमानदारी से खेलना चाहिए, चाहे हम जीतें या हारें। जीतना और हारना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है कि हम कैसा खेले हैं उस चीज को, कितनी ईमानदारी से खेले हैं, है ना, वो चीज इंपॉर्टेंट होती है। तो उसको बोलते हैं फेयर प्ले है मामला, एकदम कैसा मामला है, फेयर प्ले है। इधर क्या हुआ भाई, फेयर वेदर फ्रेंड, अरे ये तो बहुत बढ़िया यूज होता है, फेयर वेदर फ्रेंड,
वेदर का मतलब मौसम, फेयर माने अच्छा, तो फेयर वेदर फ्रेंड उजला चमकीला साफ। तो फेयर वेदर फ्रेंड मतलब कौन सा साथी, जो अच्छे समय का साथी हो। वन हु इज फ्रेंड इन प्रॉस्पेरिटी ओनली, प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है संपन्नता, जब आपके पास सभी चीजें हो, प्रचुरता हो हर चीज की, कोई कमी ना हो, आप रईस हो, पैसा धेला ये वो सब हो आपके पास, है ना। तो वन हु इज योर फ्रेंड इन प्रॉस्पेरिटी ओनली, जब आपका अच्छा समय चल रहा हो, तब आपका कोई दोस्त हो तो उसको बोलते हैं फेयर वेदर फ्रेंड, सुख के साथी। वो हिंदी में नहीं कहते कि सुख के सब साथी दुख में न कोई, तो सुख के साथी हैं सारे के सारे। व्हेनेवर यू नो थिंग्स आर पॉजिटिव, जब सब चीजें हमारे सपोर्ट में हो रही हो, तो बहुत सारे दोस्त आ जाते हैं, है ना। इट्स बेटर टू बी फ्रेंडलेस देन टू हैव फेयर वेदर फ्रेंड। अरे मित्र विहीन रहना अच्छा है, आपके दोस्त ना हो चल जाएगा, लेकिन फेयर वेदर फ्रेंड नहीं होना चाहिए, जो मुसीबत में आने पर भाग जाएं, जब वेदर खराब हो, किस्मत पलटे, समय खराब हो जाए, है ना, चीजें हमारे फेवर में ना हो रही हो, तो वो भाग जाए। ऐसे से तो अच्छा है कि फ्रेंड ना हो। यस, तो इट्स बेटर टू बी फ्रेंडलेस देन टू हैव फेयर वेदर फ्रेंड। फेयर वेदर फ्रेंड समझ गए आप, सुख का साथी, अच्छे समय का साथी, जो दुख में हमारा साथ छोड़ के चला जाए, है ना। मोस्टली ऐसा कहते हैं कि रिलेटिव्स ऐसे होते हैं आजकल, जो शादी ब्याह में तो बहुत भीड़ लगा लेते हैं, लेकिन जब समय मुसीबत का होता है तो दूर दूर तक पता नहीं होता। यस, तो फेयर वेदर फ्रेंड, ये चार पांच, इसलिए इस क्लास को थोड़ा छोटा कर दिया गया। रीजन क्या है, क्योंकि लंबी क्लास देखने में लोग आजकल इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, वो लंबी पिक्चर देख सकते हैं 3 घंटे की, वो 3 घंटे सो सकते हैं, 3 घंटे गपशप बकवास कर सकते हैं, 3 घंटे कोई नाच गाने का प्रोग्राम देख सकते हैं, लेकिन क्लास अगर 10-15 मिनट से ज्यादा की हुई, वीडियो अगर 10-15 मिनट से ज्यादा का हुआ, तो इंटरेस्ट लूज हो जाता है ना, मन नहीं लगता है, बोर होने लगते हैं। क्या विडंबना है कि लोग पढ़ने में ही बोर हो रहे हैं, यही मजा ढूंढ रहे हैं बस, बाकी सब जगह तो मालूम नहीं क्या 3-3 घंटे काम कर लेते हैं। इसलिए आप की सहूलियत को देखते हो, हालांकि वो पूरी तरह से गलत है, फिर भी हमने वीडियो का साइज थोड़ा छोटा किया, कम कम सीख रहे हैं। अरे कम से कम थोड़ा ही सीख जाओ रे, सीख जाओ, बिन सीखे सब सून है, बिना सीखे जिंदगी ठीक से नहीं चल सकती है, अभी नहीं आगे समझ में आएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना काफी है, कल फिर मुलाकात होगी। Thank you very much. Good night. We will.